वेलकम बैक टू चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं इतने हड़ी बड़ी में क्यों बोल रही हूँ आप लोग सोचते होंगे एक्चुअली ना मैं आज फेस करवाने वाली हूँ बहुत ही अजीब सा चेहरा लग रहा है मेरा बहुत स्किन आ गए हैं और पता नहीं फेस में क्या अजीब सा ग्लो ही नहीं है तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी फेशियल करवा लेना चाहिए और इतने दिन हो गए हैं आपको पता है कि मैं मम्मी के घर भी गई थी बिना फेसियल किए तो मुझे लग रहा है कि नहीं भाई अभी करवा लो नहीं तो फेस का वैसे भी Uh, क्या बोलते हैं <laughs> कवाड़ा निकल जाएगा uh, तो वैसे भी फेस का बहुत ही मतलब इफेक्ट आता है ना आपको पता चल रहा होगा फेस में और आईब्रो तो मैं घर में ही करवा लेती हूँ तो मुझे रोज भी करवाना है तो अजीब सा लग रहा है अभी फेस मुझे बिल्कुल भी देखने का मन नहीं कर रहा है ऐसे ही तीन चार महीने हो गए घर में ही बैठे हैं हम लोग लॉकडाउन शट चल रहा है तो पार्लर भी बंद था तो अभी थोड़ा सा खुला है पार्लर तो आज चांस मार रही हूँ कि नहीं चलो आज करवा ही है लेते हैं फेशियल और वाइद ये जो दाग दिख रहा है ये हाथ में लग गया है कढ़ाई खाना बनाते टाइम तो थोड़ा सा दाग आ गया अच्छा नहीं लग रहा है बट क्या करे आ गया तो मैंने ऐसे कुछ सिंपल सा मतलब लगाया नहीं है फेस में कुछ जस्ट नॉर्मल थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया है और थोड़ा सा लूज पाउडर जो होता है ना कॉम्पैक्ट पाउडर उसको लगाया है सनस्क्रीन के साथ नहीं, बाहर निकलूंगी तो आ, कैसे भी थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा के ही जाना चाहिए पास ही में है पार्लर तो आ, दूर कहीं जाऊंगी नहीं अब पता नहीं बाल का हालत भी खराब हो रहा है छह महीने हो गए हैं मैं स्ट्रेटनिंग करवाई थी स्ट्रेटनिंग के बाद आ, बिल्कुल भी कुछ नहीं करवाया ना स्पा करवाया है ना कुछ भी नहीं करवाया अभी तक और कटिंग भी नहीं हुआ है नीचे के बाल जो है ना ये सारे खराब होने लगे हैं थोड़ा थोड़ा कलर भी इसका चला जा रहा है अभी तो स्ट्रेटनिंग का जो करवाए थे तो उसका वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि तब मेरा वीडियो बंद था बंद कर दिया था मैंने तो जरूर और एक बार जब स्ट्रेटनिंग करवाऊंगी तो आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करूंगी <laughs> तो मुझे लग रहा है गर्मी मैं जा रही हूँ रेडियो के पार्लर जस्ट दस मिनट लगेगा मुझे जाने के लिए पासी में है तो मैंने उनसे बात किया कि नहीं आज खुला है कि नहीं पार्लर तो उन्होंने कहा कि नहीं खुला है आप आ जाइए पार्लर ओपन है बट क्या होता है ना वो जो मैम थी वो नहीं है आज तो उनके जो स्टूडेंट हैं जो है तो मैंने उनसे बात की कि नहीं आप थोड़ा बोल दो उनको कि अच्छे से करें क्योंकि आपको होता है ना जिसके पास आप जाके आईब्रोज या फेशियल जो भी करवाते हैं ना थोड़ा अच्छा लगता है करवाने से और दूसरों के पास जाके करने से ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे आईब्रोज ना किसी के पास भी आ, लगता नहीं कि मैं अच्छा कोई करवाएगा या करेगा कोई तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था तो बोली कि नहीं मैम बहुत अच्छे से करती है आप आइए कोई टेंशन की बात नहीं है कम्प्लेन नहीं आएगा आपको अच्छे से करेगी वो तो चलिए देखते हैं क्या करती है क्या नहीं पता नहीं अब नहीं है तो देखते हैं कैसे आईब्रो करती है और मैं आपको वहीं पे मिलूंगी जाके आईब्रोज को अच्छे से करना है क्योंकि मेरा ना आईब्रो बहुत ही पतला है और ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है ग्रोथ होता है बट ब्लैक नहीं दिखता है मेरा थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर है तो मुझे डर लगता है कि नहीं अच्छे से करे और फेसियल डिटेन भी करने के लिए मैंने बात की है क्योंकि डल हो गया है फेस और Uh, होता है ना आप बाहर घूम के आते हैं मैं से भी घूम के आई हूँ तो और भी डल लग रहा है मुझे फेस धूल मिट्टी हर जगह होता है ना तो फेस के ना एक डेड स्किन आ जाता है आपके फेस में बीच बीच में आपको फेशियल करवाना है या डिटन करवाना है तो मैंने अभी तक किया नहीं है तो मैं जा रही हूँ अभी करवाने के लिए फेशियल और आईब्रोज और पता नहीं हेयर कट करूंगी अगर टाइम होगा तो आ, बस एक जुड़ा बांध के ही चले जाऊंगी ऐसे कुछ मेकअप नहीं लेना है क्योंकि वहां जाके मेकअप उतारना ही है तो मेकअप तो वैसे लेती नहीं हूं मैं ज़्यादा तो बस लगाया जितना वैसे ही जाऊंगी और यहाँ पे मैंने पहना है एक टॉप और नीचे जीन्स है और कुछ भी नहीं पहना है ना इयर ना कुछ भी काजल वाजल कुछ नहीं लगाऊंगी जस्ट मास्क पहनंगी और हेलमेट पहन के ही मैं जाऊंगी कुछ दिखाई नहीं देगा वैसे भी आना भी ऐसे ही है मुझे और धूप हो रही है जल्दी से मुझे जाके आ जाना चाहिए तो गाइस मिलते हैं पार्लर में लेट्स गो गाइस बस इतना ही मुझे रेडी होना है और कुछ नहीं करूंगी और बेटा गया है गाड़ी निकालने के लिए मैं जा रही हूँ नीचे और आपको वहीं मिलूंगी मैं जितना हो सकता है मैं वीडियो शूट करूंगी क्योंकि एक तो मैं सोई रहूंगी और मसाज होता रहेगा मेरा जो भी फेसियाल जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी तो बाय मिलते हैं पार्लर में चलो मध्य को यार फेस को हेलो <laughs> <Hello>. क्या अच्छा मैडम फोन कर थे तो

है गाइज यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ पार्लर और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसको कि देख के थोड़ा आईब्रो सेव करना क्योंकि ऐसे ऐसे है मेरा आईब्रो बहुत ही पतला है तो उसने कहा ठीक है मैम मैं अच्छे से कर दूँगी आप टेंशन मत लीजिए तो फाइनली आईब्रो सेव हो रहा है और बहुत ही अच्छे से उसने किया बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है मेरा आईब्रो बट पाउडर लगाया है तो दिख नहीं रहा था अभी बट क्लीन होने के बाद आप देखना बहुत ही अच्छे से बनाया है बट बोल दूँ मुझे कम से कम बीस से पच्चीस लगा सिर्फ आइब्रो का क्योंकि वो बहुत डर डर के कर रही थी और धीरे-धीरे कर रही थी मैंने सोचा कि अरे आधा टाइम तो मेरा इसी में चला गया बट फाइनली बहुत ही अच्छे से कर दिया उसने आइब्रो शेप और अभी चलेगा फेशियल का तो यहाँ पे उसने क्लीन किया फेस को और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूड़ा बांध रही हूँ क्योंकि बार-बार मेरा ना जो फॉनी टंदा वो खुल जा रहा था तो देखिए यहां पे बहुत ही अच्छे से उसने किया क्लीन करके और ये हुआ क्लीन क्लींजर लगा के थोड़ा सा फेस को क्लीन करते हैं डीटान करने के पहले तो उसने बहुत ही अच्छे अच्छे से ना मसाज किया और क्रीम से और यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके वो टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर रही है तो प्रॉपर कर रही थी मुझे अच्छा लगा फ़ील अच्छा हो रहा था तो फिर इसके बाद उसने डिटान का जो क्रीम है उसको लगाया क्योंकि फ़ेस ना बहुत डल हो रहा था मेरा इतने दिनों के बाद मैं फिर फिर से फेशियल करवा रही थी एक तो राखी आ रही थी और मम्मी के घर जाके भी आई आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था मैंने फेस में तो जो भी घर में नॉर्मल करते ना फेस पैक कभी लगा देती थी या कभी कुछ स्क्रब वगैरह लगाती थी बट आप जब पार्लर जाते हैं तो आपको पूरा परफेक्ट जो एक पैक होता है ना वो सारा करवाते हैं तो अच्छा लगता है खुद करने में उतना अ, मतलब प्रॉपर नहीं होता है मैं कर नहीं पाती हूँ घर में तो इसने अच्छे से उसको क्लीन किया फिर जो भी क्रीम लगाया था डीटन का और यहाँ पर फिर उसके बाद ना यहाँ पे मेरा जो स्क्रब था उसको मसाज किया फिर उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद यहाँ पे स्टीम दे रही है और स्टीम ना बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए जो पोर्स होते हैं ना सारे खुल जाते हैं और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए ये सारा करते हैं तो मैंने कहा कि मेरा जो ब्लैक हेड्स है नोज़ का और चिक के पास आ जाता है ना धीरे धीरे तो मैं घर में निकालती हूँ बट प्रॉपर नहीं निकाल मुझे बहुत दर्द देता है क्योंकि फेसियल का ना यही टाइम होता है जो मुझे ना एकदम से आंसू आ जाते हैं मुंह से मतलब इतना दर्द होता है नाक का जो साइड का जगह है ना बहुत दर्द होता है बट करवाना चाहिए आप कभी भी देखिए तो फेस जितना भी आप फेशियल करवाएं बट ब्लाट्स नहीं निकालेंगे ना तो फेशियल का कोई फायदा नहीं है तो मुझे जितना भी दर्द हो मैं जरूर करवाती हूँ ये वाला आंसू निकल आते हैं आँख से बाबू मतलब इतना दर्द देता है मुझे और फाइनली हो गया है यहाँ पे क्लीन और फेस ना थोड़ा फूल जाता है कहीं कहीं रेड हो जाता है है, तो वो धीरे धीरे कर रहे थे बट दर्द तो होता है तो फिर इसके बाद ना क्लीन करने के बाद फेस को वो जेल लगा के बहुत ही अच्छे से मसाज कर रही थी और इसी बीच इस तीन क्रीम मेरे फेस में लगा चुकी थी वो और अच्छे से मसाज करके उसे क्लीन भी कर लिया था उसने और ये चौथा क्रीम है जो कि जेल है जो कि पूरा अच्छे से वो मसाज कर रही थी जो जो पॉइंट है उसको प्रेस कर रही थी बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था मुझे गाइज आप भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स जो भी हैं फेशियल जरूर करवाइएगा फेस को ना बहुत ही जरूरी होता है फेशियल और एक फ्रेशनेस आता है आपके फेस में और एक ग्लो आती है फेस में तो मैं करवाने के लिए ज़रूर बोलूँगी सजेस्ट करूँगी कि आप फेशियल जरूर, जरूर कराएं और इसके बाद फिर एक क्रीम लगा के वो बहुत ही अच्छे से मसाज किया और यहाँ पे और एक मसाज किया इसके बाद ये मैं क्रीम लगाई हूँ जो कि आखिरी है तो इसको भी मसाज करेगी वो एक्चुअली क्या होता है ना बीच बीच में अंधेरा करती थी क्योंकि रिलैक्स फील होता है कस्टमर को और मैं आपको कभी भी 10-15 मिनट जब मसाज आता है तो अपना माइंड को फ्री करके रिलैक्स होकर अगर मसाज लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस ना ग्लो करेगा और रिलैक्स लगेगा तो इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं किया मैंने तो मैंने यहाँ पे सिल्वर का मसाज मतलब फेशियल करवाया था तो डिटान भी कराया था तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे फ्रेश फील हो रहा था देखिए अभी मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है नॉर्मल यहाँ पे कुछ मेकअप नहीं है कुछ नहीं है तो फेस का जो एक शाइनिंग लुक होता है ना वो दिख रहा है शाइनिंग कर रहा है फ़ेस नोज़ ये सारा चिक वगैरह ना शाइनिंग करता है जब भी आप फेशियल कराते हैं तो आप जो भी आपको शूट करता है फेशियल वो वाला करवाइएगा मैं ज़्यादातर रेगुलर बेसिस में ना मैं फ्रूट का फेशियल करवाती थी बट इस बार इतने दिनों के बाद करवा रही हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग करते हैं तो सिल्वर का मैंने यहाँ पर लिया था फेशियल किट जो कि बहुत ही अच्छा था मेरे फेस में शूट भी किया तो कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा और अगर आप लोगों ने फेशियल नहीं कराया तो जाके करवा लीजिएगा जो कि बहुत ही जरूरी है और मैं जा रही हूँ घर और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिएगा और फेस कैसे लग रही है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा बाय द वे आईब्रो बहुत ही अच्छी बनी है बाय टेक केयर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए बाय टेक केयर पेमेंट करके घर जाना है जल्दी से फोन आ रहा है बार बार घर से